ओपन वर्ल्ड गेम्स बेस्ट होते हैं और वो इसलिए क्योंकि यहाँ हम हर वो चीज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बट एंड्रॉइड पे ज्यादातर ओपन वर्ल्ड गेम्स या तो पेड होते हैं या फिर जो फ्री होते हैं उनमें हमें एड्स देखने पड़ते हैं बहुत सारे। सो दैट्स व्हाई अब बारी आती है कुछ ऐसे ओपन वर्ल्ड गेम्स को ट्राई करने की जो कि आप बिल्कुल ही फ्री में खेल सकते हो, वो भी ऑफलाइन, मतलब बिना किसी एड्स के। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। नंबर 10, GTA Liberty City Stories। तो ये एक ऑफिशियल GTA गेम है जो कि अपनी स्टोरी एंड गेम प्ले की वजह से अपने टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। अब अगर बात करें इस गेम की तो ये पूरा गेम आप टोनी के प्रयाणी के रूप में खेलते हो जो कि सिटी में हो रहे क्राइम्स, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ खड़ा होता है एंड लिबर्टी सिटी में धूम मचाता है। सो ओवरऑल ये गेम यहाँ काफी ज्यादा मस्त है जहाँ की आपको डिफरेंट कार्स, बाइक्स एंड मिशन भी देखने को मिल जाते हैं। नाउ अवर नंबर 9th गेम इज नीड फॉर स्पीड मोस्ट वॉन्टेड। सो अगर आप भी मेरी तरह 90s या अर्ली 2000s में पैदा हुए हैं तो आपने इस गेम को पक्का से खेला होगा बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेसिंग गेम्स जो कि आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और मेरी मानो तो EA ने इससे ज्यादा बेहतर रेसिंग गेम आज तक नहीं निकाला। EA ने छोड़ो पूरी की पूरी कम्युनिटी ने नहीं निकाला इतना डेंजर गेम, बिकॉज इस गेम में वो सब है जो एक गेमर को चाहिए। दैट मींस वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स कार्स, दासू दासू रेसेस, कार कस्टमाइजेशन एंड एक बढ़िया सी स्टोरी और उसके साथ एक बढ़िया सी छोरी। एंड हाँ, इस गेम के पॉपुलर होने के दो सबसे बड़े रीजन है और वो है इसका विलन क्रॉस एंड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार BMW M3 GTR। देखो जो समझ गया वो समझ गया और जो नहीं समझा प्लीज ये गेम जाके खेल लो। खैर अब हमारी लिस्ट का नंबर 8 गेम है चेलीकॉन कार्नेज। सो अगर आपने एक बहुत ही फेमस गेम द टोटल ओवरडोज खेला है तो ये गेम भी उसी की तरह सिमिलर गेम होने वाला है जहाँ की आपको रमीरो रैम के रूप में खेलना है जिसे कि अपने बाप की मौत का बदला लेना है। सो रमीरो यहाँ पर निकल पड़ता है एक ऐसे धंधे में जहाँ कदम कदम पे मौत है। एंड अब अगर बात करें इस गेम की तो इस गेम में आपको डिफरेंट एनिमी फाइट्स के साथ ही तगड़े तगड़े बॉस बैटल्स भी देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, इस गेम के सबसे बढ़िया और दिल को छू लेने वाली बात यह है कि यहाँ आप बुलेट टाइम बोले तो स्लो मोशन में भी बंदूकें चला सकते हो और दुश्मनों के बैंड बजा सकते हो। आई मीन उनके भाई शरीर के किस किस हिस्से में छेद करोगे तुम स्लो मोशन में तुम ही जानो। मैक्स पेन के बाद बुलेट टाइम को जो परफेक्शन मिला है ना वो इसी गेम से मिला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गेम और टोटल ओवरडोज बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। तो खेल लो भाई इसको, मैं वाउच करता हूं कि इससे बेहतर गेम तुमने खेला नहीं होगा। खैर अवर नंबर 7th गेम इज Assassin's Creed Bloodlines। सो ये गेम Ubisoft का बनाया हुआ एक बहुत ही धासू एक्शन प्लेटफॉर्मर गेम है जहां के आपको पार्कौर एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड यहां ये गेम PC वाले Assassin's Creed 1 गेम का सीक्वल होने वाला है जहां के हम एक असासिन Altair Ibn Lahad के रूप में खेलते हैं। एंड हां, मैं आपको गेम की स्टोरी यहां बताकर कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। सो Assassin's Creed गेम के मजे लेने अपने फोन में तुम्हें, तो जाओ इस गेम को आराम से ट्राई करो। लेकिन अभी ट्राई मत करने जाना बिकॉज ये टाइम है आज के गेमिंग क्वेश्चन को पूछने का। सो आज के गेमिंग क्वेश्चन में आपको बताना है कि PSP की फुल फॉर्म क्या है। नाउ एज यूजुअल सबसे फास्ट आंसर देने वाले बंदे, बंदी, बंदर, छोरे, छोरी या फिर छछुंदर को मिलेगा हमारे कमेंट सेक्शन में पिन होने का मौका। सो जल्दी से जल्दी अपने हाथ पैर पूछ और पंजे चलाओ और मैं भी बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है नंबर 6 पोजीशन पे Spider-Man 2। तो ये गेम एक बहुत ही कमाल का ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम होने वाला है जहां के आप गेस व्हाट किसके रूप में खेलते हो। कम ऑन यार, Spider-Man गेम का नाम है तो उसी के रूप में खेलोगे ना, तुम्हें यहाँ वंडर वुमन या फिर बैटमैन तो देखने को नहीं मिलेगा ना। खैर गेम में आपको स्पाइडरमैन के सभी एबिलिटीज एंड पावर अप्स देखने को मिल जाएंगे जिसके हेल्प से आप दुश्मनों की बैंड बजा सकते हो, उनको मार सकते हो और उनका काम भी तमाम कर सकते हो। एक मिनट, ये तो एक ही बात है। खैर ओवरऑल ये गेम यहाँ पर काफी मस्त होने वाला है जहाँ की आप काफी मस्ती कर सकते हो। नाउ अवर नंबर 5th गेम इज Godfather। सो अगर आपने द Godfather नॉवल पढ़ा होगा या फिर सेम नेम की मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि स्टोरी कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है इस गेम की, जहाँ की पूरी सिटी में माफिया का राज है एंड वो अपने मनसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। खैर इस गेम में आप एल्डो ट्रपैनी के रूप में खेलते हो एंड यहाँ भी आपको मेन कैरेक्टर के बाप की मौत का बदला लेना है। आई मीन कम ऑन यार, डेवलपर्स को बाप ही मिलता है क्या मारने के लिए। खैर हमें उससे क्या, हमें तो गेम के मजे लेने हैं। एंड हाँ, ये गेम यहाँ काफी मजेदार है, सो इसे खेल के पक्का से आपको मजे आ ही जाएंगे। सो नाउ अवर नंबर 4th गेम इज Akiba's Trip। सो ये एक बहुत ही कमाल का एनिमे गेम होने वाला है जहां कि आप Akiba के रूप में खेलते हो एंड गेम में आपको वैम्पायर लाइक क्रिएचर्स को खत्म करना है एंड गेम के मजे लेने हैं। एंड हाँ, गेम के दो नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि पहला तो ये गेम पूरा जापानीज लैंग्वेज में है, मतलब कि इसे खेलने के लिए आपको जापानीज ही सीखनी पड़ेगी, आप इसे जाके क्लासेस ले लो। एंड सेकंड, इसमें कुछ मैच्योर कंटेंट भी है, वैसे तो तुम लोगों को वो पसंद आने वाला है, बट अगर यहाँ पर माइनॉरिटी वाले बंदे हैं 18 साल से नीचे के तो प्लीज इस गेम को मत ट्राई करना, बाकी अगर खेलना चाहते हो तो समझ जाओ। खैर अब हमारी लिस्ट का नंबर 3rd गेम है ड्राइवर 76। सो हाँ, इस गेम का नाम देख के आप इसे फॉलआउट 76 से कंपेयर मत करने लग जाना, वो एक डिफरेंट गेम है एंड ये एक बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट गेम है। सो यहाँ ये गेम एक ओपन वर्ल्ड ड्राइविंग एंड रेसिंग सिमुलेटर गेम होने वाला है जहाँ की आप रे के रूप में खेलते हो एंड गेम में आपको जिमी नाम के एक लड़के से बदला लेना है जिसने की आपकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर रखा है। सो आपको गेम में काफी सारा पैसा कमाना है जिसके लिए आपको डिफरेंट रेसेस में पार्ट लेना होगा एंड पुलिस से भी बचना होगा। नाउ ओवरऑल ये गेम यहाँ काफी मस्त है जिसे कि आप कंट्रोलर लगा के भी आराम से खेल सकते हो। नाउ अवर नंबर 2nd गेम इज गन शोडाउन। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे कोई गेम अपने फोन में खेलना चाहते हो तो लो यार, हाजिर आपके लिए गन शोडाउन। सो बेसिकली इस गेम में आपको सेम RDR 2 वाली फीलिंग आएगी बिकॉज यहाँ भी आपको सेम वेस्टर्न सिटी, ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग एंड एक बढ़िया सी स्टोरी और सुंदर सी छोरी देखने को मिल जाती है जिसके साथ आप काफी सारी मस्ती भी कर सकते हो। I mean, वैसे वाली मस्ती नहीं भाई, नॉर्मल वाली मस्ती। सो ये गेम भी हमारी लिस्ट के बाकी गेम्स की तरह काफी मस्त होने वाला है जो कि आपके पुराने से स्मार्टफोन में भी मक्खन जैसा चलेगा। एंड नाउ फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लिस्ट के फाइनल, बोले तो सबसे बढ़िया रैपचिक फाड़ू गेम की तरफ जो कि है none other than GTA 5। अरे
ए मारो इसको। अरे मजाक कर रहा हूं भाई, मजाक कर रहा हूं। नंबर वन गेम है GTA Vice City Stories। तो इस गेम में हमें GTA Vice City गेम के पहले के इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जहां कि हम एक सोल्जर विक्टर वैंस के रूप में खेलते हैं, जो कि अपने भाई लैंस वैंस के साथ मिलकर सिटी पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। सो यूजुअली यहां भी आपको ढेर सारे वेपन्स, व्हीकल्स, मिशंस, साइड मिशंस, कैरेक्टर कस्टमाइजेशन और एक बढ़िया सी स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। और हां, ये गेम बिल्कुल ही फ्री है, जिससे कि आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो, तो हुई ना ये एक बढ़िया बात। और दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो का यही होता है एंड। सो एज ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो या फिर मेरी खतरनाक आवाज या फिर कोई भी गेम पसंद आया हो तो भाई के लिए एक लाइक तो कर ही देना, बिकॉज टुडे इज लाइक एम इज 9999 लाइक्स। एंड हां, जाने से पहले हमारे एक नए एंड्रॉइड गेम फनी रनर को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज ये गेम बिल्कुल ही फ्री है, ऑफलाइन है एंड आपके 2GB रैम वाले स्मार्टफोन में भी आराम से चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपके भाई ने ही बनाया गेम, तो जाके ट्राई करो। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो। तो चलो यार, मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने जाना है। देख रहे हो ना तुम्हारा भाई कितना मेहनती है, गेम भी निकाल दिया, नेक्स्ट वीडियो की भी तैयारी करने जा रहा है। चलो बाय। ओए राजू, अभी कहाँ मर गया, मेरा लैपटॉप कहाँ रख दिया यार तूने? क्या कहा, गंदा हो रहा था, धोने को डाल दिया? अबे पागल, कपड़े थोड़ी ना है तो धोने को डाल दिया। रुक तू इधर, आज इधर आते तेरे को भी धोकर रूप में सिखाता हूँ।